साथ हम दोनों बड़े खुश थे। हंसते खेलते हम दोनों के रिलेशन को एक साल भी हो गए और उसके साथ वक्त कुछ यूं गुजराना कि मानो कल ही की बात थी जब वो मेरा हुआ। हाल भी कुछ ऐसा मेरा की आदत हो गई है उसकी, अब उसके बिना दिल ही नहीं लगता। वो मेरी थी और मैं उसका, पर ना जाने हमारे प्यार को किसकी नजर लगी, उसने एक पल में बिना कुछ सोचे समझे मुझे छोड़ दिया। रो रो कर बेहाल मैं, पर उसने मुझे मुड़कर तक नहीं देखा। उसकी फिक्र में अपने सारे दोस्तों को कहता रहा, वो ठीक तो है ना, कुछ पता कर, मेरी बात करवाओ ना। मैं कैसा हूं कैसा नहीं उसे जरा भी जानने की कोशिश नहीं की, मानो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। सोच कर भी हंसी आती है कि ये वही है जिसने कहा था मुझसे, तुम चिंता मत करो पागल, मैं प्यार करती हूं तुमसे, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसके याद में मेरा हाल पागलों से भी बुरा, दिल में बस यही कि एक बार उससे बात हो जाए ना। अचानक ही एक दिन उसका फोन आता है। सिर्फ ये कहने के लिए कि सुनो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मूव ऑन कर लो ना। ये कहकर उसने बिना मेरी बात सुने फोन रख दिया और मैं बस यही सवाल खुद से पूछता रहा कि मैंने आखिर ऐसी लड़की से प्यार क्यों किया। दिल ने भी कहा कि काश उसे चाहते वक्त दिमाग से भी सोचा होता। वो और उसकी बातें पल पल मुझे तकलीफ देती है। कैसे मिटाऊं उसकी यादों को जिसे मैंने अपने दिल में जगा दी है। शायद उसे बहाना चाहिए था मुझे छोड़ने के लिए। जैसे ही मौका मिला उसने बड़ी आसानी से कह दिया, सुनो मूव ऑन कर लो ना। कहते हैं ना, जिसे छोड़ जाना होता है वो बहाने पे बहाने देता है। उसने भी यही किया। उसके किए हुए सारे वादे झूठे थे, इस बात से हंसी आती है मुझे खुद पर। अफवाहों पर से भरोसा उठ गया है। मेरे साथ ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। पता है सबसे अजीब बात क्या है, वो आई जिंदगी में मेरी अपनी मर्जी से थी और गई भी अपनी मर्जी से। बस फर्क इतना था कि मेरी जिंदगी में आते वक्त उसने झूठ का सहारा लिया और जाते वक्त इकलौता सच कहा, मूव ऑन कर लो ना।